पर्यटन दोनों मंत्रालय ने मिलकर जो हमारा शोषण किया, जो स्थिति है इतना ग्रीन कार्ड के नाम पर टैक्स जमा कराने के नाम पर टैक्स और टैक्स पर पेनल्टी, सरकार ने कहा कि हम ट्रैवल व्यवसायियों को छूट देंगे छह महीने की छूट वो बेकार है सर हमारे लिए, हमें छह महीने की छूट नहीं चाहिए। छूट से पहले 20,000 रूपए के टैक्स पे 10,000 रूपए की पेनल्टी रही, उन सब गाड़ियों पर टैक्स भी ले गया प्लस टैक्स पर पेनल्टी भी ली गई, 1 रूपये की पेनल्टी परिवहन विभाग ने नहीं छोड़ी किसी भी प्रकार। 10 दिन से गाड़ियां 16 किलोमीटर दूर वहां जंगल में, जब खाना नहीं मिलता पानी मिलता ड्राइवर और मालिक वहां धक्के खा रहे हैं, उसके लिए काफी लाभ भी कैसे करेगा। इतनी पेनल्टी टैक्स से वसूल कर ली है हमसे, इससे तो बेहतर हम गाड़ी चलाते ना, एक गाड़ी 1,00,000 रूपये से ऊपर लगकर गया है। हाई कोर्ट ने जब यात्रा में लगी रोक हटाई, केदारनाथ में 800 और बद्रीनाथ में 1,000 यात्रियों की सीमित संख्या को रखा गया। ये हमारी सरकार 400 लोग यमुनोत्री जाएंगे तो बाकी लोग जो देश विदेश से आने वाला हिंदू तीर्थ यात्री है, जो चार धाम यात्रा है, तो 400 यात्री के सारे चल जाएगी, कोई होटल पैक नहीं होगा। नेपाल से लोग सात भ्रमण करने के लिए आते हैं, वो मोस्टली बद्रीनाथ में जाकर सात भ्रमण करते हैं, उनको भी बिल्कुल बंद है, वो जा नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि देवी स्थानम बोर्ड में एक यात्री को जाने के लिए कम से कम 6 से 5 पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कैसे जाएगा वो यात्रा, कैसे हम भेजेंगे, थोड़ी थी उसी दिन से वो पोर्टल बंद पड़ा है, वो 0-0 की संख्या दिखाता है। वहां पर देवी स्थानम बोर्ड से गए उनको लेकर किया जा रहा आगे, क्योंकि बाहर के लोगों ने उस पोर्टल को पहले ही बुक कर लिया, कैंसिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है पोर्टल में, वो 0 है, यात्री कैसे जाएगा, यात्री 2,000 किलोमीटर से आगे उसको जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। ट्रैवल व्यवसायी बेचारा अपनी दुकानें पे सजा के बैठा है, कोई कुछ करके प्रकार से बड़कोट पहुंचता है ना, तो यात्री के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई पाकिस्तान से ना आतंकवादी आ गया है, उसको आगे जाने नहीं देगा। जब हर की बैठी पे शाम को 25-30 हजार आदमी बिना मास्क और बिना है, और मैं हरिद्वार का एक वरिष्ठ ट्रैवल व्यवसायी हूँ। जी ये प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो 16 तारीख के बाद सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश हटने के बाद जो यात्रा को शुरू किया है, यात्रा शुरू होने के बाद भी स्थिति यह है कि हम लोग यात्रा में अपनी गाड़ियों को नहीं बेच पा रहे हैं। सरकार ने इस प्रकार की जटिल कंडीशन सरकार ने हमारे सामने लगा दी हैं कि हम चाहकर भी यात्रियों को किसी चार धाम की यात्रा पर या दो धाम की यात्रा पर या एक धाम की यात्रा पर भेज नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो सीमित संख्या की है उस सीमित संख्या से भी कम लोग यात्री वहाँ पे जा रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी बाकी यात्रियों को चार धाम यात्रा पे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ग्रीन कार्ड के नाम पे वाहन स्वामी का शोषण किया जा रहा है, कहीं ई पास के नाम पे यात्रियों का शोषण किया जा रहा है। यात्रा खुलने के बाद भी हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, जितने भी एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन सब, यात्रा खुलने के बाद भी हमारे लिए यात्रा बंद ही है। बल्कि अगर यात्रा नहीं खुलती तो कम से कम हमने जो अपनी गाड़ियों पे 1-1.25 लाख रुपए लगा दिया है ग्रीन कार्ड बनाने के लिए, गाड़ी तैयार करने के लिए, वो भी बेकार हो गया हमारा। अगर यात्रा शुरू नहीं होती कम से कम हमारे वो पैसे बच भी जाते, और अभी भी जो पैसे हमने लगाए हैं मुझे लगता है अगर उसका 30% भी रिटर्न आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सरकार से निवेदन है, आग्रह है और उनको चेतावनी है कि अगर बहुत जल्दी शीघ्र इन्होंने इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो आगामी 27 तारीख को जब पर्यटन दिवस है हम लोग पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, हरिद्वार में करेंगे, पर्यटन कार्यालय के बाहर बैठ करके धरना करेंगे, जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। विषय ये रह गया है कि जो जिस उत्तराखंड में 30-34 लाख यात्री सीजन में दर्शन किया करते थे, आज की स्थिति ऐसी आ गई है कि 50,000 आदमियों को अनुमति देने के लिए सरकार विफल है, और भविष्य भी ऐसा दिखाई देता है कि चारधाम की यात्राएं खोल नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी से हमारी बहुत उम्मीदें थी, पर आज बहुत नाउम्मीद होकर के हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं के ऊपर ही ऐसा दबाव बना रही है कि जिससे कि हिंदू आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। चारधाम यात्रा को इन्होंने विफल कर दिया है, वाहन स्वामियों से, होटलों से इन्होंने जो रिवेन्यू वसूल सकते थे वो वसूल लिए हैं, एक महीने के लिए लोगों से जितना भी पैसा ये ले सकते थे इन्होंने अपना पैसा वसूल लिया है और लोगों को छोड़ दिया है, और स्थिति बहुत दयनीय आ गई है। चारधाम यात्रा नहीं संचालन हो पा रही है,
और जिसका ये दावा करते हैं कि हम 30 लाख 34 लाख यात्री हमारे यहाँ पिछले बार भी आए थे हमारे यहाँ 2019 और अभी आगामी स्थिति ऐसी है कि चारधाम यात्रा इन्होंने जान पूछ करके ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि व्यापारियों को त्रस्त कर दिया है इन्होंने और ये यात्रा नहीं चल पा रही है। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी एक दो दिन में कोई डिसीजन नहीं लिया तो वैसे भी हम 27 तारीख को इसका बहिष्कार भी करेंगे और देवस्थान बोर्ड पे इनका पोर्टल फुल पड़ा हुआ है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, सरकार अपने किए हुई योजनाओं में विफल है। ये इसके माध्यम हम जो बने हैं जो बात बोल रहे हैं ये सरकार ही बहुत अच्छी तरह से जानती है, परंतु जानने के बाद भी सरकार केवल अपना पैसा वसूलने में लगी हुई है, आम जनता की बात नहीं सुन रही है। क्योंकि चक्का जाम तो हो रहा है, कुछ और भी निर्णय आप कह रहे हो कि हम करने जाएंगे आगे चुनाव को लेकर या कुछ और क्या करने जाएंगे फिर चक्का जाम के साथ साथ क्या करने जा रहे हैं? जो जैसे आपने भाई साहब मेरे से पूछा कि मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा रोल जो है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नंबर दो बात, कोई भी वीआईपी मूवमेंट में हम लोगों का कोई भी वाहन जो है शासन का कोई सहयोग नहीं करेगा, चाहे राष्ट्रपति का दौरा हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे गृह मंत्री का हो, चाहे राज्य मंत्री का हो किसी का। और दूसरी बात आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष जो बोलते हैं हम लोग जिसे, उसमें हम लोगों के हिंदुओं के धारणा के लिए दर्पण के लिए ब्रह्म कपल में बद्रीनाथ जी में इतने लाखों आदमी जाता है उड़ीसा से बंगाल से राजस्थान से कि हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, उन लोगों का जो है हम लोगों को यात्रा बद्रीनाथ जी के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, इतनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रखी हैं, सरकार को सोचना चाहिए। उसके विषय में आप भी ये देखिए कि जो हाईकोर्ट की रूलिंग थी, जो SOP सरकार ने भी बनाई है, उसके अनुसार अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो राज्य सरकार को ये करना चाहिए कि हर जिले के DM को आदेश देना चाहिए कि यमुनोत्री में 400, गंगोत्री में 600, केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1200 दीपक आदमियों की प्रतिदिन आदमियों की क्षमता के अनुसार जो है जितनी कैपेसिटी बोली उसके हिसाब से उतने आदमियों को रोज की परमिशन ऑफलाइन पे जाके उन लोगों को देनी चाहिए जिससे कि यात्री हमारा जो हिंदू धर्म का यात्री आ रहा है उसकी भावना को कोई भी किसी प्रकार का ठेस न। मांग पूरी नहीं हुई तो भैया जी देखिए 27 तारीख को पर्यटन दिवस के ऊपर जो है हम लोग एक दिन का तो करेंगे ही, फिर उसके बाद जो है हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताएंगे कि हम अपनी तरफ से ही यात्रा बंद की घोषणा करके पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मैसेज वायरल करेंगे कि उत्तराखंड में यात्रा बंद हो चुकी है, उत्तराखंड सरकार अपनी यात्रा बंद कर चुकी है, आप लोग यहाँ आके जो है अपने पैसे का अपने समय का दुरुपयोग ना करें, इसलिए कि आप और कहीं जाके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं जिससे कि हिंदुओं की विश्व प्रसिद्ध यात्रा जो आध्यात्मिक राजधानी सरकार कहती है, BJP भी कह रही है, आप पार्टी भी कह रही है हम बनाना चाहेंगे, ये तो कुछ नहीं बनाना चाहती है, तो बल्कि जो है अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा करके बैठ गए हम लोगों के ऊपर, जैसे अफगानिस्तान में काम चल रहा है तालिबान में, उस तरीके इन्होंने हमारे ऊपर जो है तालिबानी फरमान लगा दिए हैं, ट्रांसपोर्ट संबंधित इतने ग्रीन कार्ड लेके आइए और आपका ट्रिप शिफ्ट बनाइए, स्मार्ट सिटी पे जाइए, देवस्थानम बोर्ड पे जाइए, हमारा एक दिन तो इसी काम में लग जाता है, हम गाड़ी यात्री को कहाँ भेजेंगे और कैसे ही हम जो है यात्री को आगे गाइड कर सकते हैं और उत्तराखंड में बुला सकते हैं।